कांग्रेस में चुनावी तैयारियां अब जोरों पर हैं और इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति के सदस्यों को प्रभारी भी बनाया गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासा ने जिलेवार प्रत्याशी चयन प्रक्रिया को लेकर पीईसी सदस्यों को प्रभारी बना दिया है। अब 25, 26 और 27 अगस्त को प्रदेश चुनाव समिति के सदस्य दो दो के ग्रुप में अपने प्रभार वाले जिलों में जिला कांग्रेस कमेटियों की बैठक लेगी। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति के सदस्य अब जिलों में जाकर टिकट चयन की प्रक्रिया को अमली जामा पहनाएंगे और पैनल बनाकर प्रदेश इलेक्शन कमेटी की टेबल पर रखेंगे। प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति के सदस्यों को समिति के चेयरमैन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासा ने जिलेवार प्रभार आवंटित कर दिए। भंवर जितेंद्र सिंह साले मोहम्मद को जयपुर शहर जयपुर ग्रामीण प्रभारी बनाया। रघुवीर मीणा हरीश चौधरी को बीकानेर शहर बीकानेर ग्रामीण और टोंक प्रभारी। मोहन प्रकाश रामेश्वर डूडी को अलवर झुंझुनू का प्रभारी। प्रमोद जैन भाया शकुंतला रावत को सिरोही जालौर पाली प्रतापगढ़ का जिम्मा। महेंद्रजीत सिंह मालविया रामलाल जाट को जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर उत्तर दक्षिण और जोधपुर ग्रामीण की जिम्मेदारी। रमेश मीणा रघु शर्मा को बारा झालावाड़ सवाई माधोपुर की जिम्मेदारी। उदयलाल आंजना को राजसमंद का प्रभारी बनाया। प्रताप सिंह खाचरियावास धीरज गुर्जर को धौलपुर करौली भरतपुर दौसा का प्रभार। लालचंद कटारिया ममता भूपेश को अलवर ग्रामीण अलवर शहर भीलवाड़ा का जिम्मा। भजनलाल जाटव मुरारीलाल मीणा को उदयपुर शहर उदयपुर ग्रामीण और बांसवाड़ा डूंगरपुर का प्रभारी बनाया। गोविंदा मेघवाल जुबेर खान को कोटा शहर कोटा ग्रामीण बूंदी और चित्तौड़गढ़ की जिम्मेदारी। अशोक चांदना सुखराम विश्नोई को श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ और सीकर की जिम्मेदारी। राजेंद्र यादव नीरज डांगी को नागौर चूरू का प्रभारी बनाया। दरअसल सदस्यों के प्रभार वाले जिलों में सोशल इंजीनियरिंग देखी जा सकती है। सीएम गहलोत के गृह क्षेत्र जोधपुर के प्रभारी दो विश्वस्त बने हैं। महेंद्रजीत मालवीय और रामलाल जाट को जिम्मा है। मालवीय अब CWC के सदस्य भी हैं और जोधपुर संभाग में बड़ी संख्या में जाट मतदाता है और ऐसे में रामलाल जाट की भूमिका अहम है। वहीं सचिन पायलट के निर्वाचन क्षेत्र टोंक का जिम्मा दो दिग्गजों रघुवीर मीणा और हरीश चौधरी के पास है और दोनों के ही सचिन पायलट से भी मधुर संबंध है। टोंक जिले में जाट और मीणा मतदाता भी अहम है। ऐसे में रघुवीर मीणा और हरीश चौधरी की भूमिका अहम रहेगी। हरीश चौधरी अभी कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हैं। वहीं स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी के करीबी उदयलाल आंजना को राजसंभन का प्रभारी बनाया गया है। 25, 26 और 27 अगस्त को प्रदेश चुनाव समिति के सदस्य दो दो के ग्रुप में अपने प्रभार वाले जिलों में जिला कांग्रेस कमेटियों की बैठक लेंगे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अपनी रिपोर्ट देगी। इससे पहले 24 अगस्त को सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां प्राप्त आवेदनों की सूची ब्लॉक अध्यक्ष की टिप्पणी के साथ और बैठक की कार्यवाही रजिस्टर की फोटोकॉपी सहित जिला कांग्रेस कमेटियों को जमा करवाएंगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।